आपको अपनी ये पीसेस भी नहीं अबाउट राइटिंग आई थिंक राइटिंग इज नॉट ओनली फीलिंग एंड थॉट्स द वर्ल्ड राइटिंग इज अ मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट बाय द वे एक्सेप्ट ऑन एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ रिसाइटेशन ऑफ होली ग्राम फॉर दिस God honors, he brought respect to this very nation. I remember how to come out of darkness. Students, talked about the student being a very the shining star. Words used in this book. चीज़ है कि मैंने ये बुक जो है एक्चुअली मैं एट्थ में था जब से मैंने राइटिंग स्टार्ट की और फिर फाइनली फ्यू मंथ्स बैक मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प इसमें किया तो ये सब जो है इन्हीं की बदौलत है कि मैं आज इस स्टेज पर पहुँचा हूँ मैं एक राइटर बना हूँ और आज मुझे लोग राइटर के नाम से जानते हैं मैसेज ये है कि डरना नहीं है जो दिल में आए वो करना है और लिटरेचर की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि देर इज़ नो बाउंड राइटर्स आर नॉट बाउंड टू सोसाइटी सोसाइटी में से वो नहीं सोसाइटी उनको कहीं पे नहीं रोक पाएगी क्योंकि राइटर जो है वो अपना हार्ट लिखता है जो उसके दिल में आता है देखिए आज का दिन जो है ये त्राल इलाके के लिए यकीनन स्पेशल दिन है और ये स्कूल जो फ्यूचर विजन स्कूल है और हायर सेकेंडरी बॉयज़ त्राल इन दोनों के लिए भी एक खसूसी दिन है क्योंकि आज इस स्कूल के तालिबे इल्म असरार उल हक ने अपनी इंग्लिश पोइट्री की कलेक्शन की पहली बुक लॉन्च की है जिस बुक का टाइटल ने उन्होंने ब्रीज रखा है मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको टैप करना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और बच्चों को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने इनर फीलिंग्स का इजहार कर सके जैसा कि असरार उल हक की इस किताब में हुआ है Asraar has always been a very good student, very good at studies. He was a very well-disciplined student, a very dedicated one. And what he has achieved today, it's only because of conviction and dedication. I wish him all the very best in the year.